बंदे हैं सारे ऑलमोस्ट यहाँ पर, और देखो आज पकोड़े बेच रहे हैं, 10 रुपए पकोड़े ही की बेच रहे हो, कुछ और काम की नहीं है सर ये? देखो आप प्रोफेशन और कुछ काम मिलता ही नहीं है ना, ये देखो ग्रेजुएट जो हमें कुछ देता नहीं है, 17 साल पढ़ते पढ़ते हो गए, एक MTS की नौकरी नहीं मिली मुझे, उससे का भी नहीं होगा SSC के, तो कोई पहले सीटें बिक जाती है, जो पढ़े लिखे हैं वो रह जाते हैं, तो हम प्रदर्शन कर रहे हैं। समस्या क्या मैन, समस्या क्या SSC के लिए? सर सीटें बिक जाती है, हमारी दो डिमांडे हैं कि हमारी जाँच, हमारी CBI की SSC की CBI जांच हो सुप्रीम कोर्ट के साथ। हम ये स्ट्राइक के लिए, हम सरकार के निवेदन के लिए हम स्ट्राइक में बैठे हुए हैं, 16 दिन हो गए हैं, सरकार का कोई रिएक्शन नहीं है, तो ये हम पकौड़े बेच के हम सरकार का अट्रैक्शन लेना चाहते हैं। प्रतिनिधि नहीं आया सरकार की तरफ से? प्रतिनिधि की तरफ तो वो आ रहे हैं, जो एक तो बात किए चले गए, राजनाथ सिंह अभी जो बोल रहे हैं, वो जो आए थे वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा CBI जांच हो गई है। मुझे बताइए आज तक गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी बात हो जो कि अनरिटर्न हुआ हो, आज तक गवर्नमेंट कोई भी ऐसा काम किया है जो अनरिटर्न हो, लेकिन हमको बोल दिए कि बस हो गया तुम भाग जाओ, ये क्या बात हुई गवर्नमेंट की तरफ? वो घर पे पेरेंट्स अपने आप को आगे लाए और इस चीज को जो रखे अपने आप को रखे उसमें आगे, और समर्थन करें हमारा, तो आपके बच्चे भी यहाँ पे हैं, सब लोग आपके ही बच्चे हैं, तो ये आप तक एक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि अगर आप लोग भी सहयोग करेंगे तो बहुत बहुत आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कितनी दिक्कत झेल चुके हो इतने दिनों से? यहाँ पे हम बहुत दिक्कतें झेल चुके हैं, जैसे यहाँ पे कोई टॉयलेट वगैरह की कोई कुछ है नहीं हमारे पास, ना ही नीचे दरियाँ वगैरह बिछाई जाती हैं, यहाँ पे पूरी रात निकल जाती है हमको, ऐसे ही निकल जाती है कोई ना, क्योंकि प्रॉब्लम होती है टॉयलेट वगैरह की, मोबाइल टॉयलेट मंगाई गई यहाँ पे वो हटवा दिए गए, दरियाँ बिछवाई गई वो हटवा दी गई है, तो बहुत सारी चीजें आ रही है कि हम पे बहुत सारा प्रेशर भी डाला जा रहा है कि तुम लोग को थोड़े बहुत बचे हो, तुम लोगों को तो ऐसे भगा दिया जाएगा यहाँ से, तो बहुत सारी यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने माह दिन और क्या मांगे हैं आपको? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर आए और हमारे इस आंदोलन में मीडिया का रूप दे रहे हैं और ये सारी खबरें पूरे भारतवर्ष में फैला रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बता दूँ, मेरा नाम विनय कुमार है, मैं राठ बुंदेलखंड से आता हूँ और मैं इस समय इलाहाबाद में पढ़ाई करता हूँ, और हम इलाहाबाद में अपने श्रीकांत सर के निर्देशन में आए हैं, इस समय हमारे बीच बैठे हैं और भी सारे छात्र हैं। हम पहले बता दें कि हम इलाहाबाद में पिछले 5 तारीख से धरना प्रदर्शन करते हैं, कर रहे थे और अभी भी चल रहा है, तो हमने सोचा कि हंगर स्ट्राइक का जो कार्यक्रम रखा गया है कल पूरे भारतवर्ष में हंगर स्ट्राइक रहेगा, यानी कि भूख हड़ताल पर रहेंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, जहाँ तक पानी भी नहीं पीएंगे, ऐसा हमने सोचा है कि पानी तक भी नहीं पीएंगे, पूरा दिन हंगर स्ट्राइक पर रहेंगे, और ये भी चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को कि अगर हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी नहीं की गई तो ये अनवरत हंगर स्ट्राइक रहेगी, तब तक रहेगी जब तक हमारे शरीर में सांस रहेगी, सांस तभी टूटेगी जब हमारी यहाँ से मांगें पूरी। 17वां दिन है और 17वें दिन भी बच्चे, हम सभी स्टूडेंट शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन में शामिल हैं, और आज की हमारी थीम है पकोड़ा थीम, यानी जैसे सिस्टम तेल की तरह है और स्टूडेंट्स पकोड़ा की तरह है, सिस्टम ने हमें स्टूडेंट्स को पकोड़ा की तरह तल दिया है, ये हमारी थीम आज के लेसन, आज का जो भी सेमिनार है। और सर हमारा अपने प्रोटेस्ट में लगातार 18वें दिन यानी कल शुक्रवार को नेशनल लेवल पर धरना प्रदर्शन करते हुए स्टूडेंट्स, अभिभावक और सभी टीचर्स के सहयोग के नेशनल लेवल पर महा उपवास का कल हमारा प्रोग्राम है, और उसमें नेशनल लेवल पर सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, शांतिपूर्वक धरना चलता रहेगा, और उसके बाद हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी मांगें मान लेगी, हमें CBI जांच पर और सरकार की प्रोटोकॉल के तहत जो प्रोसेस है उस पर पूरा भरोसा है, और सरकार हमारी मांग मान ले जाएगी, इसका हमें पूरा विश्वास है, और तब तक हम डिटरमाइंड है जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, और तब तक हमारा शांतिपूर्वक धरना चलता रहेगा। लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है, SSC भी अभी घोटाले में संलिप्त पाया जा रहा है, बिना CBI जांच के क्या कहना चाहेंगे? बिना CBI जांच के हमारा विश्वास है कि CBI जांच के तहत ही इन चीज़ों के सोल्यूशन हो सकता है, इसलिए हम अपने धरने प्रदर्शन, हमारी भावी पीढ़ी के स्टूडेंटों का तो हमारे साथ भी गलत होने वाला है, तो मैं उनसे ये आग्रह अनुरोध करता हूँ कि दिल्ली में और जहाँ तक हो सके, अगर दिल्ली में आ सके तो बहुत अच्छा है, और अगर जिस शहर में वहीं पर कल 16 तारीख को एक दिन का उपवास रखा गया है और वो वहाँ पे भूख हड़ताल सभी साथियों के साथ करें, और ज्यादा पीछे क्यों पड़े हैं जबकि यहाँ प्राइवेट सेक्टर में अच्छी अच्छी नौकरियाँ हैं और बहुत कुछ है, आप अपना एक मिनट का, आप सेक्टर में कहाँ नौकरी है, आप अपना अच्छा रोजगार कर सकते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से पैसे ले सकते हैं, 5 लाख 10 लाख 15 लाख। देखिए ये कहने को सारी बातें हैं, है ना, मुद्रा योजना से आप लेके और जाओ, आप मुद्रा लोन कितना मिल जाता है, क्या इतना आसान है एक सिंपल फैमिली के आदमी के लिए बिजनेस करना? इट्स नॉट दैट ईजी। मैं बता रहा हूँ भारत में रोजगार की स्थिति बहुत खराब है,
भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की जाती है, यहाँ युवा ही युवा भरा हुआ है, 50 करोड़ 60 करोड़ तो युवा भरा हुआ है। नौकरी की संभावनाएं इतनी नहीं है, आप कहने को कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में फलाना में, आप रिपोर्ट देखिए ना क्या हालत है। अगर इतने ही रोजगार के अवसर होते तो लोग जाते नहीं, करते नहीं, तो पकौड़ा बेचना शुरू कर। हाँ तो आप क्या करेंगे, ये जब प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं पकौड़ा भी सब रोजगार, शर्म आनी चाहिए ना कि आप युवाओं से, भारत के पढ़े लिखे युवाओं से, लोग एमएससी एमटेक और पीएचडी किए हुए लोगों से कहते हैं पकौड़ा बेचो, क्या बात होती है। आप देखिए ये 20 से 30 साल की उम्र के लोग, उनको नौकरी में होना चाहिए लेकिन बेरोजगार पड़े हुए हैं, और ये बेरोजगारी किस हद तक की है इससे पता चलता है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स में 1 करोड़ लोग बैठते हैं, एक एग्जाम में 1 करोड़ लोग, चूंकि रोजगार की कोई अवसर नहीं है तो एसएससी बैंक एग्जाम में बैठ रहे हैं, और एसएससी क्या कर रही है, एसएससी उनके भरोसे को तोड़ रही है। आप एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जॉब ढूंढ सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हाल है आप सब जानते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर का ये हालत है कि फार्मर सुसाइड कर रहा है, यानी एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस की स्थिति बनी हुई है। अभी नासिक से लोग मुंबई गए, किसानों की स्थिति तो ऐसी है कि लोग खेती छोड़ के भाग रहे हैं। आप कृषि में आप रोजगार की बात करते हैं, कोई रोजगार नहीं है, रोजगार की हालत इतनी खराब है कि अंत में एसएससी बैंक की एक नौकरी बची हुई है और वो नौकरी भी हाथ से जाती निकल रही है। माँ बाप पढ़ाने लिखाने के लिए कहाँ कहाँ से पैसे इकट्ठा करके भेजता है, लोग दिल्ली इलाहाबाद पटना रह के पढ़ते हैं, और एक सपना रहता है कि देख जितना घर में दुख है सब खत्म हो जाएगा, और वो आदमी 5-5 साल 4-4 साल 6-6 साल 7-7 साल रह के कैसे भी करके और पढ़ाई करता है इस भरोसे के साथ कि हम मेहनत करेंगे, मेरिट में आएंगे तो हमें नौकरी मिलेगी। आप उसके भरोसे को तोड़ रहे हो, आप उसकी नौकरी छीन रहे हो, उन बेमानों के हाथ बेच रहे हैं जो 30 लाख 40 लाख रुपए देके 90% 92% नंबर लेके आते हैं। अब 90% 92% बिना पढ़े वाला आदमी पैसा देके लेके आता है, तो पढ़ने वाला आदमी कहाँ मेरिट में लेके आएगा उतना स्थान, वो तो ऐसे ही 4-5 साल पढ़ता है वो चला जाता है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई किसी को डिस्ट्रेस हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि हम आपके बारे में सोचेंगे, युवाओं का देश है, अमेरिका में भी जाके बोला युवाओं का देश है ना, ये जुमलावादी है, ये सब बोलते हैं। अगर इतना ही सोच रहे होते युवाओं के बारे में तो आज 17 दिन से यहाँ बैठा हुआ है अपनी जायज मांग के लिए बैठा हुआ बच्चा एक बार आकर उससे मिलते, झूठ मूठ का सबूफा छोड़ रहे हैं। यहाँ पे मांग क्या है और बात क्या कर रहे हैं, सिस्टम बदल नहीं रहे। आपने कोई ज्ञापन भेजा पीएम हाउस? अरे सब कुछ हुआ है, आप सब डेवलपमेंट देखिए ना, और अभी मैं बता रहा हूँ आपको इतना हंगामा हो रहा है, 17 दिन से आंदोलन चल रहा है पूरे भारत भर में, बावजूद इसके इस सिस्टम का धांधली अभी धड़ल्ले से चल रहा है। अभी भी आप पूरा लड़का बात करता है, अभी भी सिस्टम में चल रहा है, पेपर का रिपोर्ट देखिए, अभी भी वो बैठते हैं सॉल्वर बैठते हैं स्कॉलर्स बैठते हैं दूसरों का पेपर, अभी भी रिमोट एक्सेस करके पूरा पेपर किया जा रहा है, अभी भी इन्विजिलेटर्स आके और बच्चों का हेल्प कर रहे हैं, पूरी सिस्टम अभी भी धांधली से भरी हुई है और वैसे ही जारी है। अरे भैया किस सिस्टम के भरोसे हम लोग पढ़ेंगे, किस सिस्टम के भरोसे, मैं टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, मैं नौकरी में था, नौकरी छोड़ के पढ़ाने आया, किस भरोसे से मैं पढ़ाऊँ, पढ़ाने का कोई मन नहीं करता है, ना बच्चे को पढ़ने का मन करता है, जब भरोसा ही नहीं सिस्टम में, पढ़ के क्या होगा, पढ़ने से कुछ होगा नहीं, ये बेईमान लोग पैसा दे के खरीद ले जाएंगे सीट। अरे सिस्टम को बदलो, आप युवाओं के और देश के बारे में बात करते हो, आप इतनी छोटी सी चीज नहीं कर सकते हो यार, शक तो हमें आप पर होता है, ये सिस्टम पे शक होता है। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में कोई ना कुछ डिसीजन लेना चाहिए, सोचना चाहिए, क्यों नहीं, ये सिस्टम बदलने का काम किसका है, सिस्टम बदलने का काम जिसका है वो करेगा, हम किसके पास जाएं ये समस्या लेके, विद्यार्थी प्रधानमंत्री के पास तो चुनाव भी लड़ने का होता है यार, इधर उधर देश में भी घूमना होता है, विदेश भी, तो वो सारे काम कैसे देखेंगे, या तो वो तो यही तय कर लें कि वो खाली चुनाव ही लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। हाँ। और हमको देश के काम का कुछ नहीं है, युवाओं तो के बारे में नहीं सोच रहे, ऐसे तो बोलते रहते हैं कि बहुत काम करते हैं, बहुत ये है वो है, 17 दिन से आप आए नहीं, कुछ अभी कुछ होता है, अभी छोटा सा भी बात होता है ट्वीट कर देते हो, और इतना इम्पोर्टेंट इशू है पूरे देश भर में लोग बैठे हुए हैं। आप लोगों ने प्रधानमंत्री @NarendraModi पे किया, गया है, आपको बता दें वो जो ट्वीट है ना ट्रेंड कर रहा है लगातार, 17 दिन से एसएससी स्कैम से संबंधित जो हैशटैग है वो लगातार ट्रेंड कर रहे हैं, सबको पता है, जितने बड़े बड़े लोग हैं सबको पता है, आपको पता नहीं है जितेंद्र सिंह और राजनाथ सिंह लोगों ने भी क्या है स्टेटमेंट दिया है, किस तरह का स्टेटमेंट दिया है, मांग क्या है और उनकी बातें क्या हो रही है, वेंडर सिस्टम बदल रहा है, ये किस भरोसे से आदमी पढ़ाई करेगा बताइए, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, पढ़ने पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, नौकरी वो बेमान लेके जाएंगे, मतलब जिसके पास पैसा वो नौकरी लेगा, नौकरी लेके जाएगा, और बाकी लोग क्या है, अब कोई उपाय नहीं था, 20 से 30 साल की उम्र में 5-5, 7-7 साल पढ़ के नौकरी लेते थे, माँ बाप का दादा दादी का रिश्तेदार नाते था, आपका कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा देश प्याज का छिलका है, प्याज का छिलका कहिए, पकौड़ा कहिए, जो कहना हो कहिए, लेकिन खराब है, सड़ा है, अगर सिस्टम में कोई, यानी ये जो प्रधानमंत्री कहते थे कि देश भ्रष्ट है मैं उसे ठीक कर रहा हूँ, तो आपके उम्मीद जो अभी दिख तो नहीं रहा है, नहीं था। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार देश के जवानों के साथ हो रहा है, आप कहाँ, हमें दिखना भी चाहिए ना आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हो, हमें तो ऐसा लग रहा है कि 17 दिन तक कुछ नहीं बोल रहे, भ्रष्टाचार का साथ दे रहे हो, तो प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश की आपने,
क्या प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश की आपने? प्रधानमंत्री से मिलने की हम कोशिश करें, प्रधानमंत्री को पूरा समय है यहाँ जाने का, वहाँ जाने का, उसका ट्वीट करने का, उसका ट्वीट करने का, लेकिन यहाँ पे लाखों करोड़ों की संख्या में बच्चे का भविष्य लटका हुआ है, उसके सपने लटके हुए हैं सड़कों पे 17 दिन से धूप में, उनके पास टाइम नहीं है एक ट्वीट कर दें, एक आके मिल लें, हम जाए उनसे मिलने, हमको टाइम दे, मिलने को तैयार है ना, हमको टाइम दे। तो आप लोगों ने कुछ भेजा जी, आप हमें मिलना चाहते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से सब कुछ गया है, हम लोग पोस्टल भेजे, आपको बताएं इलाहाबाद से मैं आया हूँ, इलाहाबाद से हजारों की संख्या में 20,000 पोस्ट कार्ड पे खून से लड़कों ने चिट्ठी लेके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेजा है। पकौड़े क्यों बना रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूरशमा है। पकौड़े क्यों तल रही है? यही स्कोप बच गया है इस करप्टेड सिस्टम की वजह से, यही सिस्टम ने हमें स्कोप दिखा दिया है कि यही तुम्हारा फ्यूचर है, क्योंकि तुम कुछ का तुम्हारे पास और कोई रीजन नहीं, क्योंकि जितने भी करप्टेड लोग हैं उन लोगों ने हमारे लिए यही वजह बना दी कि तुम्हारा तुम्हें तो सीट मिलने से रही, इससे अच्छा तुम पकौड़े ही तल लो, यही हमारे लिए वजह है। पकौड़े तल के या बेच के जो अभी आप यहाँ कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? मैसेज ये है सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को और सभी जितने भी बैठ के देखेंगे मुझे, हम सभी को ये है कि जो स्टेज है ये जो पकौड़े हैं उसमें ये स्टूडेंट्स हैं, वो ये सब इन सब करप्टेड चीजों में घुल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, जल रहे हैं, भुन रहे हैं, उन सबको ये मतलब परेशानियां झेलनी पड़ रही है, जिस तरह से पकौड़े को तल रहे हैं, कितना जलाया जाता है, किस तरह से पकाया जाता है, उसी तरह से स्टूडेंट्स मेहनत करने के बावजूद वो इस तरह से परेशान हो रहे हैं, उनको ये स्कोप नजर आ रहा है कि पकौड़े तलना परफेक्ट है, उनको ये स्कोप नजर आ रहा है।